हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो कर रहे होंगे। आपको केमिस्ट्री समझ में भी आ रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ, डैट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ लॉग वैल्यू। राइट, यू नो इसका ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ता है? आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पड़ेगा, राइट, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पड़ेगा एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो लॉग की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल? तो उसके लिए रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक, ध्यान से देखो। तो पहले सम ऑफ द बेसिक पॉइंट जो ऑलरेडी आप जानते हो कि देखो लॉग 10 और ए, राइट। तो लॉग 10 जो है वो यहाँ पे हम दिखाते नहीं है, जो बेस है वो मैं दिखाऊंगा नहीं या फिर दिखाया भी नहीं जाता है। तो इसलिए कहीं पे ये लिखा है एक ही बात है। पहले बेसिक पॉइंट हम समझ लें, सबका एक ही मतलब है, राइट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस कितना है? 10 है। लॉग ए की पावर बी होगा तो बी यू नो बाहर आ जाता है, राइट, तो बी लॉग ए हो जाएगा, ये भी आप जानते ही हो। नेक्स्ट लॉग ए इंटू बी, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये भी जानते हो, ये यूज करेंगे हम लोग। लॉग ए बाई बी डिवाइड में होगा तो माइनस में आ जाता है, ये भी आप जानते ही हो। नाउ जो पॉइंट है कि आपको लॉग की ये 6 वैल्यू याद रखनी है, राइट, लॉग की ये 6 वैल्यू याद रखना है। उसके बाद लॉग की कोई भी वैल्यू हो आप इजीली रफ़ी सर के ट्रिक से निकाल लोगे। तो लॉग की कौन सी 6 वैल्यू है? सिंपल है, एक लॉग 2 डेट इज 0.30, ये याद रखना है, लॉग 3 0.48, लॉग 5 0.70, लॉग 7 0.85, लॉग 1 0 हो जाएगा और लॉग 10 क्योंकि बेस और पावर सेम हो गया तो वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। तो ये 6 लॉग की वैल्यू याद रखना आपको। अब इसका यूज करके मैं लॉग की कोई वैल्यू निकाल सकता हूँ विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। एक और पॉइंट है एनालिसिस, ये क्यों कराने जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होंगे 4, राइट, तो हमें ऑप्शन तक पहुँचना है, राइट, क्योंकि हमें कैलकुलेट करके कोई नोबेल प्राइज़ तो मिलने वाला है नहीं, तो हमें बस आंसर तक पहुँचना है, इसलिए ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से देखो लॉग 10, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 1, 1 बाहर आ जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि बेस पावर सेम हो गया तो 1 हो जाएंगे, इस पॉइंट से लॉग 10 1 होता है, राइट। लॉग 100 जिसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर? 2। लॉग 1000 तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये एनालिसिस क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, 10 की वैल्यू 1 है, 100 की वैल्यू 2 है और 1000 की वैल्यू 3 है एंड सो ऑन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, तो यहाँ पे वैल्यू कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1, 1, बट यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? जब 10 से 100 गए तो 90 का इंक्रीमेंट है और 100 से 1000 गए तो 900 का इंक्रीमेंट है। तो ध्यान से देखो, इधर में इंक्रीमेंट ज़्यादा है लेकिन इधर वैल्यूज में वही इंक्रीमेंट है, सेम इंक्रीमेंट है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको लॉग 10 से लेकर के लॉग 100 तक का बीच का कोई भी नंबर दे जाए तो आपको एक आइडिया है कि आपका आंसर 1 से 2 के बीच में आने वाला है, राइट। तो इससे हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पे लॉग 100 से लेकर के लॉग 1000 तक के बीच का कोई नंबर है तो हमें आइडिया है कि हमारा जो आंसर है वो 2 से 3 के बीच आने वाला है, राइट। तो ये एनालिसिस का यही मतलब है कि हम एक एनालिसिस करके रखें कि हमारा आंसर किस रेंज में आने वाला है, कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। मैं इसका भी यूज करूँगा और इसका यूज करूँगा, इन दोनों के यूज से मैं लॉग की कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो देखिए इस एप्लीकेशन में, तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल 6 प्रॉब्लम लिया है, लॉग की मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू लिया, राइट। एक लॉग 4 मुझे निकालना है तो लॉग 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, लॉग 2 का पावर 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 log 2, और log 2 आपको मालूम है तो 2 into 0.3 तक कितना हो जाएगा? 0.6, सिंपल। सिमिलरली log 9 निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 3 का स्क्वायर, फिर से बाहर आ जाएगा, log 3 कितना हो जाएगा? अभी बताया था 0.48, तो ये कितना आ जाएगा? 0.96। और एक आइडिया था क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 4 जो है वो 1 से 10 के बीच में, तो यू नो 1 की वैल्यू लॉग 0 होती है और 10 की वैल्यू 1 होता है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में, सिमिलरली ये भी 1 से 10 के बीच में, तो आंसर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये होगा। और जितना ज़्यादा 10 के क्लोज होगा उतना ज़्यादा 1 के क्लोज होगा, ये सब हम सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये 48 है तो ये 10 से ग्रेटर है, आपको मालूम पड़ गया ये 10 से ग्रेटर और 100 के बीच है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो डेफिनेटली 1 और 2 के
बीच में आएगा राइट। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, 48 को मैं क्या ले लूँगा, लॉग 50। लॉग 50 को क्या लिख सकता हूँ, लॉग 5 इंटू 10। तो लॉग ए इंटू लॉग बी क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट मीन्स लॉग 5 प्लस लॉग 10। लॉग 10 तो कितना हो गया 1, लॉग 5 कितना हो गया आपका 0.7। तो आंसर कितना हो जाएगा 1.7। तो एक ऐसे भी, और यू नो कि तुम ज़्यादा ले लियो तो थोड़ा सा इससे कम कर देना राइट। और अगर एग्जैक्ट नहीं करना तो भी हम कर सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हो, लॉग 16 इंटू 3। 16 क्या हो जाएगा, लॉग 4 का स्क्वायर राइट, और ये लॉग ए इंटू बी से ये लॉग 3, तो ये 2 लॉग 4 हो जाएंगे। लॉग 4 अभी निकाल चुके हैं 0.6, तो 2 इंटू 0.6 प्लस पॉइंट लॉग 3 इज 0.48, तो ये कितना आ जाएगा 1.68। तो आप देख सकते हो, और ये भी 1.7 थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने 50 ले लिया है। तो हमें कैलकुलेशन जो है वो अप्रॉक्स करना है, क्योंकि हमें नोबल प्राइज़ तो लेना नहीं है राइट। जैसे मान लो ये 976 है, तो आपको क्लियर हो चुका है कि ये वैल्यू 100 और 1000 के बीच में है, तो इसलिए हमारा आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। और ये वेरी क्लोज टू 1000 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू वेरी क्लोज टू 3 आएगी। तो लॉग 900 ले लेता मैं इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाती बताओ, 9 इंटू 100, तो 100 का 2 आ जाता राइट। और लॉग 9 इज अभी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है 0.96, तो ये हो जाएगा 2.96 लॉग 900। और इसको अगर 1000 लेता तो कितना होता, लॉग 1000 इज 3। तो राइट, तो एक आइडिया आपको आ गया कि आपका आंसर 2.96 से 3 के बीच में होगा राइट। अब यहाँ से यहाँ तक में देखो, 2.96 से 3 के बीच में, 2.96 से 3 के बीच में कितना और है, 0.04 ये गैप है। और यहाँ से यहाँ तक में कितना गैप है, 900 से 1000 में आपके पास टोटल 100 का गैप है राइट। तो हमें कितना चाहिए, 76। मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, मतलब 3 टाइम्स और इंक्रीज हो जाना है, तो इसकी वैल्यू क्लोज टू में, क्लोज टू में कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में 2.99 के आसपास हो जाएगा। सिमिलरली मान लो ये निकालना हमें राइट, तो ये निकालना है, तो आप इसको कितना ले सकते हो, एक बार 2500 और एक बार कितना ले लो 2600। 2500 लिया तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 राइट, और 100 तो 10 की पावर 2, तो 2 बार आ जाएगा, और 25 तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस लॉग 25 को क्या ले सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, तो ये 2 लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू आपको मालूम है कितना, 0.7, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 1.4 डेट इज 3.4। तो आप देख सकते हो कि ये 2500 3.4 आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा राइट, क्योंकि 2600 भी हम निकाल सकते हैं। तो एनी हाउ इसका आंसर वी कैन से कि इसका आंसर 3.41 के आसपास होगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्स तक पहुंचना है राइट। तो आप उसके आसपास का वैल्यू आप लेकर के चल सकते हो। सिमिलरली लॉग 8, तो लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 लॉग 2, और लॉग 2 आपको मालूम है 0.3, तो 3 इंटू 0.3, तो कितना हो जाएगा ये 0.9। तो आप देख सकते हो, आप लॉग की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, और इनफैक्ट आप वेरी क्लोज टू आंसर तक पहुंच सकते हो, अगर मेरे इस लॉजिक को आप समझ गए हो तो। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग वैल्यू, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। और सबसे ज़्यादा ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है, जब आपको pH गिवन होता है और H प्लस निकालना होता है राइट। यू नो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू लिया हूँ pH का, और इससे H प्लस कैसे निकालेंगे, रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से। तो ध्यान से देखो, अगर pH गिवन है, H प्लस निकालना हो, तो जो वैल्यू आपको गिवन होगी आपको क्या करना है, उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। तो 5.6 के आगे कौन सा इंटीजर आता है, 6, और 5.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने, 0.4, तो 6 माइनस 0.4 लिख सकता हूँ। डैट मीन्स 5.6 को आपको क्या लिखना है, 6 माइनस 0.4 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है राइट। कैसे, 6 में से 0.4 अगर हटाओगे तो 5.6 होगा, डैट मीन्स जो नंबर होगा उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, और जितना ज़्यादा आपने ऐड कर दिया उसको माइनस कर देना है। ये जो वैल्यू है इसको 10 की पावर माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 6, और ये जो वैल्यू है इसको लॉग की वैल्यू से एडजस्ट कर देना है। तो 0.4 किसकी वैल्यू होती है, यू नो लॉग 2.3 होता है, ध्यान दो, लॉग 2 जो होता है वो आपका 0.3 होता है, और लॉग 3 जो होता है वो 0.48 होता है राइट। तो ये जो वैल्यू है वो 0.3 से
0.48 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में अप्रॉक्स हम ले सकते हैं, अप्रॉक्स इनटू अप्रॉक्स में मैं ले रहा हूँ 2.5, क्योंकि आपको ऑप्शन गिवन होंगे उससे आप इजीली पहुँच जाओगे। सिमिलरली जैसे मुझे मान लो ये निकालना है 8.1 पीएच, अगर 8.1 है तो एच प्लस कितना होगा, राइट? तो एच प्लस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 8.1 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 0.9, 8.1 हो गया, 9 को क्या करना है, 10 की पावर में माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 9 हो गया, और इनटू 0.9 किसकी वैल्यू होगी, तो 0.9 जो हो जाएगी वैल्यू, वो आपको log 8 की वैल्यू हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 log 2, और 3 log 2 कितना हो गया, 0.3, तो डेट इज 0.9, सब आपको बता रखा हूँ। तो 0.9 इज log 8 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इंटू 8, मतलब क्या करना है, पहला वाला इंटीजर को आपको 10 की पावर माइनस में जाने देना, और ये वाले को log की वैल्यू से एडजस्ट कर देना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, पीएच अगर 6.3 है तो एच प्लस बताओ, इस टाइप का पहले, तो बहुत इजी वे में कर सकते हो, 6.3 को आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 0.7, ये वैल्यू को आपको क्या करना है, 10 की पावर माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 7 हो गया, और 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, डैट मीन्स एच प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो पीएच अगर गिवन हो उससे एच प्लस निकलना, तो रफी सर के ये ट्रिक से कर सकते हो। सर इन जनरल बताओ, ये तो आयनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अगर इन जनरल निकलना, जैसे log x 4.3 है तो x कितना होगा, तो वेरी सिंपल, 4.3 मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 4 प्लस 0.3, राइट? तो ये 4 को क्या करना, 10 की पावर 4 में जाने देना, और ये 0.3 को log की वैल्यू से एडजस्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, log 2 होता है 0.3, तो इसलिए x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे पुट करके देख लो, 10 की पावर 4 से 4 बार आ जाएगा, राइट? log a इंटू log भी लगा देंगे तो log 2.3, तो 4.3 हो जाएगा। सिमिलरली एक और, कि अगर log x 2.7 है तो x कितना होगा, तो देखो वेरी सिंपल, फिर से समझो, आपको क्या करना है, ये जो है 2 प्लस 0.7 लिख दिया, राइट, 2.7 को, तो 2 को क्या करना है, 10 की पावर में जाने देना है, तो 10 की पावर 2, 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की, तो इंटू 5, तो 5, तो इसलिए x कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर 2, क्यों, क्योंकि आप करके देख लो एक बार, log 5 इंटू 10 की पावर 2, तो ये log a इंटू log b हो गया, तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, तो log 5 हो गया आपका 0.7, और ये 2 log 10, तो ये 2.7 आ चुका। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा एंटी log निकालना। जाते जाते ज्ञान की बात, और बहुत सिंपल है ये, कि देखो log e a होगा तो उसको ln a, डैट मीन्स इसको नेचुरल log बोलते हैं। तो अगर उसने बोल दिया ln लगा दिया, ln लिख दिया, तो मतलब नेचुरल log है, और उसका बेस क्या है, e है, वो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ऐसे भी, राइट? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या है, e है। और अगर नेचुरल log से log विथ बेस 10 में, यू नो यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, राइट? तो अगर नेचुरल log से बेस 10 में जाना हो, तो 2.303 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है। तो आपको चूंकि इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करना ट्रिक से बता दिया हूँ, तो इसकी वैल्यू निकालना तो भी निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू निकालना तो भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का आपको कनेक्शन मालूम है। नाउ द क्वेश्चन इज, कि सर ये इतना log सिखाए क्यों? तो देखो, उसको सिखाने के पीछे रीजन है मेरा, कि ये log की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में यूज होगा, आयनिक के इक्विलिब्रियम में log निकालना ही पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जब नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होगा, थर्मोडाइनिक्स में भी यूज होगा, राइट? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल log क्यू, तो वहाँ पे भी यूज होंगे, इसलिए log की वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा। और आयनिक में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कि H प्लस की वैल्यू आपको कहीं पे भी अगर निकाल लिया आपने, कि H प्लस x इंटू 10 की पावर माइनस y है, डैट मीन्स आपको साइंटिफिक नोटेशन में निकाल लेना है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, राइट? तो अगर H प्लस इस फॉर्म में है, तो pH निकालना हो, तो डायरेक्ट ये जो y है वो यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो y, और ये x में log लगा देना विथ माइनस साइन। जैसे कहीं पे H प्लस की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, अगर सपोज करो ये है, तो pH अगर आपको निकालना हो, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा, और माइनस log 2, log 2 आपको बता रखा हूँ, 3 माइनस log 2 इज 0.3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.7।
तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, एंड ये लॉग वैल्यू हमने पढ़ाया क्यों आपको, क्योंकि ये तीनों चैप्टर में इसका यूज है। थैंक यू।